हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिली चटपटी किचन। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजमा चावल की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 1.5 कटोरी राजमा और इसे मैंने पूरी रात भिगो दिया था। अब मैंने इसे कुकर में उबाल लिया है 8 से 10 सीटी लगाकर, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है खटाई। अच्छा, आप इसको उबालते वक्त थोड़ा सा नमक भी जरूर डालें। अब हम बनाएंगे इसके लिए ग्रेवी। तो मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें जीरे का तड़का लगा दिया है। तो जीरा भुन जाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है चॉप्ड की हुई अनियन। 3 से 4 प्याज मैंने यहाँ ले ली थी। तो प्याज को ब्राउन होने तक भुनना है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, देगी मिर्च, राजमा मसाला और किचन किंग मसाला। इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ग्रेवी जैसे थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो ग्रेवी में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसे मैं जब तक चलाती रहूंगी जब तक कि ऑयल को रिलीज ना कर दे। ऑयल रिलीज होते ही मसाला पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला पकना शुरू हो चुका है और ये जितना मसाला पक रहा है उतनी ही ये गाढ़ी होती जा रही है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूंगी। इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और ये पकते पकते बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अगर आपको चाहिए इसमें ऑथेंटिक टेस्ट तो मैंने इसमें थोड़े से टमाटर काट कर इसे ऐड कर दिया है। जब आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही यम्मी लगेंगे। और राजमा को ग्रेवी में ऐड करके राजमा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इन्हें चावलों के साथ परोसे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजमा चावल तो एक ऐसी डिश है जो हर घर में बनाई जाती है और सभी की मोस्टली फेवरेट होती है। तो ऐसी ही रेसिपीज के लिए देखते रहिए चिली चटपटी किचन।